माननीय नरेंद्र मोदी जी, जब पूरा देश आपको नकार रहा था, तब हम दिल्ली वालों ने आपको 7 सीटें दे दी। ये हमारी वोट का ही नतीजा था कि आज आप गठबंधन सरकार में ही सही प्रधानमंत्री तो बन सके। और सिर्फ इस बार ही नहीं, पिछली बार भी आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए 7 सीटें हम दिल्ली वालों ने आपको ही दी थी। लेकिन हमारे वोट के बदले आपने हमें क्या दिया? आपने तो प्रधानमंत्री बनने के 24 घंटे के अंदर हमारा पानी रोक दिया। हमसे इतनी भी क्या दुश्मनी है मोदी जी आपको? हम पानी के बिना तड़प रहे हैं। आपकी हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हक का 100 MGD पानी रोक लिया। दिल्ली सरकार ने हर तरह से आपकी हरियाणा सरकार से पानी मांग लिया, हाथ जोड़ के निवेदन कर लिया, सुप्रीम कोर्ट चले गए, वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर बात कर ली, लेकिन आपकी हरियाणा सरकार पानी देने को तैयार ही नहीं, जबकि वो हमारा ही पानी है। और अब तो ये भी जग जाहिर हो चुका है कि हरियाणा का हथनी कुंड बैराज पानी से लबालब है और दिल्ली का वजीराबाद बैराज सूखा पड़ा है। ये तस्वीरें देखकर हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जानबूझकर दिल्ली के साथ ये गंदी राजनीति की जा रही है। दिल्ली के हक का पानी हरियाणा की बीजेपी सरकार से दिलाना तो दूर, आपकी पार्टी और उसके गुंडे अधिकारियों को धमकाने उनके दफ्तरों में घुस रहे हैं और जल बोर्ड का दफ्तर तोड़ रहे हैं ताकि अफसर काम ही ना कर सकें। ये सब होता रहा आपकी की नाक के नीचे, देश की राजधानी। क्या हम ये मान कर चले कि ये सब आपके कहने से हो रहा है? अगर हाँ तो ये भी बता दीजिए कि हमारा कसूर आखिर है क्या? आपके 7 सांसद जिताकर आपको फिर से प्रधानमंत्री बना दिया, क्या यही कसूर है हमारा? ये कौन सा न्याय? आपको जवाब देना होगा। आपको देश में कई राज्यों ने नकार दिया, लेकिन हम दिल्ली वालों ने आप पर भरोसा जताया और बदले में आपने हमारी पीठ में खंजर मारा है और हमें धोखा दिया है। आपके अत्याचारों से पीड़ित दिल्ली वाले।